Hey everyone and once again welcome to WSQ Tech. Myself Umar Taskeer. Guys, हम लोग बात कर रहे हैं about iOS app, right? Last की वीडियो में हम लोगों ने एक basic सा difference समझने की कोशिश करी थी कि इनके algorithm में क्या फर्क होता है, तो वो हम लोगों ने justify किया उस बात को या उस चीज को समझा कि definitely इनके algorithm में फर्क है अगर हम बात करें Google Play Store की या Apple के जो हमारा App Store है उसकी बात करें तो दोनों के algorithm में फर्क होता है, बट कुछ चीजें कॉमन होती है। सबसे पहले हम लोग मेटा डेटा से शुरुआत करेंगे कि जो सबसे एक इम्पोर्टेंट मेटा डेटा है विच इज लाइक टाइटल ऑफ द ऐप, उसकी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके का जो iOS ऐप का टाइटल है वो होना चाहिए और कितना वेटेज रखता है, और उसके बाद प्रैक्टिकली इस चीज को टेस्ट भी करेंगे। फाइन, तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखो टाइटल ऑफ द iOS ऐप, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि पहले ये 50 था, इससे पहले और भी ज्यादा था, राइट? आई एक्चुअली डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, आई थिंक 250 और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इतनी कैरेक्टर लिमिट मिलती थी और इससे पहले जो है 50 मिलती थी, बट आज के टाइम में जो है वो 30 है। आज के टाइम में जो कैरेक्टर लिमिट आपको मिल रही है दैट इज 30, एंड दिस इज द रियल प्लेस। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर यू पुट योर हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स, राइट? कभी भी हम जब भी कीवर्ड्स जो है डिसाइड करते हैं, लेट मी टेल यू वन अनदर थिंग ओवर हियर ओनली, जब कभी भी हम कीवर्ड्स डिसाइड करते हैं तो उसमें हम कीवर्ड्स को ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी हम डिसाइड करते हैं। जैसे एक हो गया हमारा फोकस कीवर्ड कैन बी गाइस प्राइमरी कीवर्ड आल्सो, ओके, प्राइमरी कीवर्ड, राइट? सो फॉर एग्जांपल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, मैं 360 डिजिटल ज्ञान की बात कर रहा हूं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, this is our focus keyword, right? primary keyword, main keyword. then there can be other keywords also, learn SEO, learn SMO, right? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे primary keyword है ये this is the actual place of your primary keyword, right? ऐसा नहीं है कि आपकी app learn SEO पर rank नहीं हो सकती, this is your secondary keyword. it doesn't mean अगर आपने overall अच्छा काम किया हुआ है तो secondary keywords और primary keywords सबके ऊपर आपकी app rank होगी, फाइन। बट एक्चुअली अगर हम टाइटल की बात करें तो यहां पर आप सारे कीवर्ड्स तो रख नहीं सकते हो, तो दिस इज द एक्चुअल प्लेस फॉर योर टाइटल, राइट? फॉर योर फोकस कीवर्ड, एक्चुअली नॉट टाइटल, फॉर योर फोकस कीवर्ड, द टाइटल ऑफ द iOS ऐप इज द एक्चुअल प्लेस ऑफ योर फोकस कीवर्ड और द प्राइमरी मेन कीवर्ड, राइट? देन अवॉइड नेम्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐप, ये थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, राइट? दिस शुड नॉट बी डन, आपको ये नहीं करना है कि ऑलरेडी आपने देखा किसी ऐप का नाम अच्छा लग रहा है वो आपको कर लेना है, पर जनरली ये गलती लोग करते नहीं है, बट अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू कि ये चीज नहीं करनी है, टाइटल आपको यूनिक रखना है। इट कैन बी लाइक ब्रांड एंड देन फोकस ऑन द प्राइमरी कीवर्ड, राइट? राइट, सो इट कैन बी लाइक दिस, राइट? WS Cube Tech एंड देन डिजिटल मार्केटिंग, फाइन, जस्ट यू हैव टू टेस्ट कि ये आपकी जो कैरेक्टर लिमिट है उसके बाहर ना जाए, फाइन, देन यू कैन डू इट लाइक, सी थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल क्या करता है, गूगल मैप्स, राइट? एंड जैसे गूगल मीट, राइट? एंड कुछ और भी आप टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे उबर, ईटन, ईट, एनीथिंग, राइट? अगर कोई जो है उससे फूड डिलीवरी से रिलेटेड ऐप है तो उबर ईट, फाइन। या जो है लोग निश के साथ भी, ब्रांड एंड निश के साथ भी शुरुआत कर लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कोई ऐप का नाम है, राइट? तो दिस वन इज द ब्रांड नेम, लोग ऐसे भी करते हैं, राइट? ब्रांड नेम इज देयर एंड आफ्टर ब्रांड नेम दे आर पुटिंग देयर निश, राइट? ट्रैवल, राइट? ट्रैवल रिलेटेड है, राइट? फ्लाइट्स रिलेटेड है, फ्लाइट्स एंड ट्रेन्स, फ्लाइट्स, बसेस, ओके, बसेस एंड ट्रेन्स, बट डेफिनेटली इट विल एक्सीड व्हाट आई बिलीव, इसको थोड़ा सा ही एक्सीड कर जाएगा, बट यू हैव टू चेक देम, राइट? तो इनको चेक कर सकते हैं आप, बड़ी इजीली आप इनको चेक कर देंगे कि कितने ये जो है कैरेक्टर्स के, 30 कैरेक्टर्स के अंडर होने चाहिए, और मैं हमने आपको ये आइडिया दे दिया, राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में होना चाहिए, बट अगर वो टाइटल में नहीं है, बाकी फोकस कीवर्ड पे भी आपकी आप रैंक कर सकती है, और जो हमारे सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम सब टाइटल में उठा के रखते हैं, जिनको हम डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, जो हमारे फोकस कीवर्ड से मिलते जुलते हैं, उन पे भी हमारी ऐप रैंक होती है। तो मैं आपको एक बार ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ओके गाइस? सो टॉकिंग प्रैक्टिकली, राइट, मैं यहाँ से आ जाता हूँ ऐप स्टोर में, एंड लेट मी पुट दिस कीवर्ड अगेन, राइट? लर्न
डिजिटल मार्केटिंग, फाइन, दिस इज अवर प्राइमरी कीवर्ड, राइट, एंड प्राइमरी कीवर्ड है मैं बोल रहा हूँ, और इसका प्रूफ ये है कि ये देखो ये प्राइमरी कीवर्ड को, नाउ दिस इज अवर ऐप, राइट, विच इज रैंकिंग, ये तो ऊपर वाला तो ऐड है, तो आप इस चीज को तो इग्नोर कर दो एक बार, जो ऊपर आपको ऐड दिख रहा है, नीचे आप आ जाओ, यहाँ पर जैसे ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग आपको दिख रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, देखो लर्न डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा कीवर्ड है, या लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है, वो हमारा अवेलेबल है यहाँ ऐप के नेम में, एक तो प्राइमरी कीवर्ड आपका ऐप के नेम में होना चाहिए, मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारे प्राइमरी कीवर्ड्स, और देखो सेकेंडरी जो कीवर्ड्स हैं वो नीचे आपको दिख रहे होंगे यहाँ, राइट, मैं दिखाता हूँ आपको, ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार फिर से यहाँ आता हूँ, ये देखो यहाँ पर छोटा सा नीचे अगर आपको दिख रहा होगा ये डिजिटल मार्केटिंग SEO एंड SMO, ये हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो हमने यहाँ पर यूज किए, फाइन, गॉट माय पॉइंट, चलिए हम एक बार सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर देखते हैं हमारी ऐप जो है रैंक होती है कि नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी कीवर्ड्स के ऊपर तो हमारी ऐप रैंक, देखो लर्न SEO, सेकेंडरी कीवर्ड्स के ऊपर भी हमारी ऐप रैंक हो रही है, फाइन, SMO, लेट्स टाइप SMO ऑल्सो, लर्न SMO, पीपल आर लुकिंग फॉर SMO कॉन्टेंट ऑल्सो, ओके SMO इट इज नॉट देयर, आई बिलीव लर्न SMO को थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, SMO, ठीक है, वी विल टाइप लर्न सोशल मीडिया, आई डोंट थिंक सो बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ कीवर्ड्स विच इज लर्न सोशल मीडिया एंड ऑल, बट ठीक है मैं एक बार इसको एंटर जरूर करता हूँ यहाँ पर, लर्न सोशल मीडिया, नो वी आर नॉट हेयर, राइट, बिकॉज हम वो चीज को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, उस टाइप की जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, अब आप देखो लर्न डिजिटल मार्केटिंग जिसको हमने ज्यादा फोकस किया है, राइट, एंड ज्यादातर हमारा जो एफर्ट्स है वो एंड्रॉइड ऐप की तरफ ज्यादा भी है, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर जो हमारे लिए फोकस कीवर्ड है उसके ऊपर हमारी ऐप जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है गाइस, राइट, सो अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि ऐप का जो टाइटल है उसके अंदर अगर हम अपने हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स रखें और इसको इस फॉर्मेट में रखें then it is good also, right? इस फॉर्मेट में मैंने आपसे ही नहीं कहा कि आपको 100% इसी फॉर्मेट में रखना है, मैंने बोला कि this can be a way also, अगर आप ब्रांड भी चाहते हो अपना कि आपका नाम भी जो है वो भी पॉपुलर हो, फाइन, देन आप इस चीज को कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम, राइट, पेटीएम एंड देन पेमेंट्स मेथड, राइट, दिस इज पेमेंट मेथड, राइट, या पेमेंट्स वॉलेट्स एनीथिंग लाइक दैट, राइट, e-wallet, whatever they want to say, जो भी उनकी निश का करेक्ट वर्ड है, they can use that, right? e-wallet or payment app and everything like that, right? Payment app, they can use payment app over here. तो ये भी इस चीज से रेजोनेट करता है कि पहले ब्रांड का नाम आ गया, उसके बाद आपकी ऐप की निश आ गई, या आपका कोई स्पेसिफिकली नाम आप रखना चाहते हैं निश से रिलेटेड तो वो आ गया, या आपका सेपरेट कोई नाम है, राइट, तो वो आ गया, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर जो है रैंक करना चाहिए वो आ गया, जैसे अगर हम देखें तो हमारी ऐप का नाम जो है वो 360 डिजिटल ज्ञान है, राइट, हमारी ऐप की जो ब्रांडिंग है वो 360 डिजिटल ज्ञान है, बट वो जिन कीवर्ड्स के ऊपर जो है वो रैंक हो रही है वो क्या है हमारे, वो है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न SEO, राइट, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, वो सारे कीवर्ड्स है जिनके ऊपर रैंक हो रही है, बट एक्चुअल जो ऐप का नाम है एक्चुअल वो क्या है 360digitalgyan.com, अगर आप लोगों के अराउंड भी देखेंगे तो मे भी आपको दिखेगी वहां पर 360 डिजिटल ज्ञान लिखा हुआ है गाइस, तो एनीवेज दोस आर द डिफरेंट डिस्कशंस, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो टाइट ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया पॉइंट ये, और अगर आप चाहो तो इस तरीके से जो है इस तरीके से आप अपने ऐप का नाम रख सकते हो। दूसरी चीज ये रही कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारी ऐप है उसका जो टाइटल होगा वही हमारे जो मेन कीवर्ड्स होंगे उन्हीं के ऊपर रैंक होगा, सेकेंडरी कीवर्ड्स के अराउंड भी रैंक होता है जो हम दूसरे जो मेटा डेटा है वहां पर हम यूज करते हैं। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चलता है, गुड बाय।